जनपद संभल के भेजोए कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर एक्ट में वांछित 15,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। योगी जी की पुलिस का ऑपरेशन शूटआउट लगातार जारी है और पुलिस अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में आज जनपद संभल के भेजोए कोतवाली पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ से सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधी भेजोए रजपुरा रोड से गुजर रहा है, जिसके बाद भेजोए कोतवाली प्रभारी रविन्द्र प्रताप सिंह ने पुलिस बल के साथ घेराबंदी की तो बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 15,000 रुपए का इनामी बदमाश भी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस विषय में पुलिस अधीक्षक संबल यमुना प्रसाद ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान भेजोई कोतवाली प्रभारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक बदमाश इधर से गुजर रहा है, जिसके बाद कोतवाली प्रभारी रविन्द्र प्रताप सिंह ने पुलिस बल के साथ बदमाश की घेराबंदी की, लेकिन उसने रुकने की जगह पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से एक सिपाही घायल हो गया। जबकि पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में गोली लगने से गैंगस्टर एक्ट में वांछित 15,000 रुपए का इनामी बदमाश भी घायल हो गया। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। गिरफ्तार अभियुक्त से एक मोटरसाइकिल, अवैध शस्त्र व जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए, जबकि उसके विरुद्ध संभल और अमरोहा जनपदों में एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इसी दौरान एक अपराधी की सूचना मिली, जिसकी भैजोई थाना अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ घेराबंदी किया भैजोई रजपुरा रोड पे। वहाँ पे एक अपराधी ने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा कांस्टेबल आयुष घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ, दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। अपराधी के बारे में पता किया गया तो ये गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी अक्रम थाना नखासा से वांछित है। 15,000 का इनामी अपराधी है। ये असमोली का रहने वाला है, लगातार इस क्षेत्र में अपराध कर रहा था और अब ये पकड़ा गया है। इसके बारे में जो प्रथम दृष्टया अपराधी के इतिहास पता चला है, लगभग एक दर्जन अपराधी के इतिहास है असमोली, अमरोहा और संभल में। अब इसको हॉस्पिटल भेजा गया है, बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है।